कभी होगा साफ पाकिस्तान। आगे तो देखो। सब चमकेगा जो काम किसी से हो न सका तू कर देगा तू कर देगा। साफ रखो गली मोहल्ले है ये सीमान तेरे मेरे हाथों से होगा साफ पाकिस्तान। होगा साफ पाकिस्तान हर हाथ कहे दिन रात कहे। होगा साफ पाकिस्तान हर शहर कहे दे हाथ कहे। होगा साफ पाकिस्तान हर दिल बोले हर जान कहे। नाजरीन वीकली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका ज़हीर अब्बास। आज हम मौजूद हैं मवाज गुट के इलाके कबायल मस्जिद रोड पर, जहां गुज़श्ता कई महीनों से सेवरेज का पानी रोड पर खड़ा है जिसका कोई पुरसान हाल नहीं। लोगों के घरों के सामने पानी जमा है सेवरेज का, लोग परेशान हैं। इस हवाले से हम जानते हैं कुछ इलाका मकीनों से कि यह मसला कब से है और उन्होंने किस से बात की इस मसले के हवाले से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं मास्टर अब्दुल करीम बात कर रहा हूँ। ये कबायल मस्जिद रोड है, इसको तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं। यहाँ पे ये अब सारे मिनरल बंद हैं। मैं अब यूसी ऑफिस और यानी कि जो इलाका इंचार्ज है सेवरेज का, इसके पास कई बार जा चुका हूँ। उन्होंने जो है ना रोज़ाना जो है ना कहते हैं हम आ रहे हैं, लेकिन कोई जो है ना सफाई के लिए नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है और ये सारा रोड बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे चलने का रास्ता भी नहीं है। यहाँ से नमाजी लोग गुजरते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, आप इलाका खुद देख सकते हैं। मैं यहाँ का जो इंचार्ज है फैसल नाम है उसका, जब से ये आया हुआ है ये इलाके का निज़ाम पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है, समझ में आया ना। ये वहाँ जाते हैं जहाँ पे सियासी असर रसूख होता है, वहाँ पे पूरा स्टाफ ले जाते हैं। और कल भी जो है कहीं जहाँ पे काम इलेक्शन के ये अपना ये फैसल से जब मेरी आज बात हुई, इन्होंने कहा कि हम जो है ना कल ये सईदाबाद इनको मिलेगा, वहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे वहाँ काम कर रहे थे हम। तो ये हाल इलाके का, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। बराए मेहरबानी ये आला हुकाम से मैं अपील करता हूँ कि यहाँ पे जो है ना इलाके को देखें और इलाके का मसाइल को हल करें। यानी कि यहाँ पे जो है ना ये रोड भी पूरा टूटा हुआ है, यहाँ पे मैनुअल सारे बंद हैं, कचरे का उठाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। लिहाजा आला हुकाम से मैं अपील करता हूँ कि हमारे जो है ना ये दरख्वास्त पे जो है ना गौर किया जाए और मसाइल को हल किया जाए। अच्छा, आप इस इलाके के एमपी साहब के पास गए थे ये मसला लेकर, लियाकत अस्कानी साहब के पास? भाईजान, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ के अस्कानी साहब यहाँ से गुजर रहे थे, उनकी अपनी गाड़ी जो है वो मैनुअल के अंदर जो है ना उसका टायर जो है ना वो चला गया और थोड़ा सा ही आगे जो है वो फैसल साहब जो है ना काम करा रहे थे, उससे दुआ सलाम के आगे निकल गए। मैं तो इसमें हैरान हूँ कि उनके अपने साथ ऐसा हुआ तो ये जो है ना इसके बाद भी मसला नहीं हुआ। तो आप जो एमपी साहब की बात करते हैं, एमपी साहब को तो हमने यानी कि यहाँ पे आते हुए देखा ही नहीं है। इस इलाके के लोग किसके सपोर्टर हैं, कौन सी पार्टी को वोट देते हैं? भाई अभी जो है ना सारे लोग बज़न हैं, कोई किसी पार्टी का वोटर नहीं है। अभी जो काम करेगा वो वोट लेगा, जो काम नहीं करेगा वो लोग घरों से निकलेंगे। मैं बोल रहा हूँ ये सपारको रोड से बिस्मिल्ला रोड अंदर आता है, ये पूरे मुआज का जो है 2 नंबर का बड़ा रोड यही है। ये रोड काफ़ी टाइम से नाले से भरा हुआ है और लियाकत साहब को मैंने 10 साल पहले भी बोला पानी के लिए हमें पानी दे दो। वे हमें बोलता है कि बारिश होएगा तो फिर आप लोगों को पानी मिलेगा, क्या मेरे को ये गटर का पानी दे। सलाम, दरअसल मसला ये है कि 5 साल तो इस किचरा कुंडी को हो गए, ठीक है। ये हमारे घर हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी बहनें हैं, ये मदरसा है, आने जाने में ना नमाजी आ जा सकते हैं ना हमारी बहनें आ जा सकती हैं, ऊपर से फिर बच्चे हैं, किचरा कुंडी में बड़ा मसला मसायर बन रहा है।
बदबू है, घर पे सब बीमार पड़े। ये मेरे सामने घर है, मेरे घर के आगे कचरा फेंक के चले जाते हैं। और उसके अलावा ये पानी का देख लें आप, बदबू है, बहुत बुरा हाल है। तो मेरी मेहरबानी यही है कि भाई कोई आए कुछ इनको, आपने नहीं बनवाना ना बनवा के दें, कचरा तो उठवा लें यार, कचरा भी नहीं उठाने आते, कोई पूछने नहीं आ रहा, कोई कुछ करने नहीं आ रहा, बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लें, यूं कर देंगे वो कर देंगे, इलाके में पानी छोड़ देंगे। पानी वाके छोड़ा, इसके लिए तालियां हूँ आपके लिए। तो भाई मेरा यही आपसे गुजारिश है, आएँ आप ये थोड़ी सफाई करवाएं, बहुत बुरा हाल है। मैं कहता हूँ आप खड़ा हो जा रहा, आपसे इतनी बदबू आ रही है इधर। हिम्मत है इन लोगों की जो बर्दाश्त करें ये बदबू, इनका रोज़ाना का मामूल है कि सीवरेज का पानी यहाँ पर कई महीनों से खड़ा हुआ है। वालेकुम भाई साहब, यहाँ पर बहुत गंदगी है, मसलन 3 साल हो गया यहाँ पर पीने का पानी नहीं है। और कोर्सनल के पास जाते हैं, भाई हमें पानी दो, बोला मेरा तो काम नहीं है, मैं क्यों दूँ पानी यहाँ पर, मैं कोई पानी मानी दूंगा, जाओ 10-15 आदमी हम लोग गए हैं वहाँ पर, कोर्सनल को यही बोले भाई हमें पानी दो, बोला नहीं नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है, जाओ फकत अपना पेट भरा करना और अपना प्लाट भरा करना, बस यही काम उनके बाकी रह गए यहाँ पर। और ये पानी है यहाँ पर, हमें ये पानी मिल रहा है गंदगी वाला। और कचरा देखना कितने कचरे पड़े हुए, अगर वहाँ पर जाओ बोल दो, बोलते हैं लो भाई कोर्सनल यहाँ पर आई नहीं, कोर्सनल नहीं है, फिर किसको बोलें भाई, लीडरों को बोलें, तो वहाँ पर जाने में इतना बड़ा पर्चा चाहिए, वो पर्चे के लिए जाओ तो पहले चपरासी खड़े हैं वो लात मारते हैं, जाओ भाई बाहर निकलो, साहब मीटिंग कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं मीटिंग अंदर। और दूसरा ये मसलन गलियों में 20 साल हो गया गलियों में रोड बनते ही नहीं है, 20 साल हो गया गलियों में, आओ वही मट्टी का मट्टी, हमारे कपड़े देख रहे हो, ये गली से आ रहे हैं, ये कचरे हैं, ये देखो रोड देखो, ये रोड एकदम बदनाम रोड है, ना गाड़ी आता है, जो गाड़ी आता है पहले गाली देते हैं, बाद में मसलन 3-4 आदमी बुलाते हैं उसका गाड़ी को धक्का देके निकालते हैं। ये गली का मैंने साहब के पास या इलाकाई चेयरमैन काउंसलर्स के पास, तो वहाँ से जवाब आता है कि काम हो जाएगा, फिर उसके बाद जो का तुई मसला रहता है, कोई मसला हल नहीं होता। इलेक्शन के टाइम पर तमाम हजरात पहुँच जाते हैं यहाँ पर, यकीन दहानी कराते हैं कि हम आपके तमाम मसाइल हल करेंगे। और